संध्या। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि तिवारी, आज जो है उत्तर प्रदेश की तीसरी श्रृंखला लेकर आपके सामने हूं। कल भी हम लोगों ने 25 प्रश्न सॉल्व किए थे और आज भी हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। क्लियर। तो लगभग जो है 3 वीडियो आपके हो चुके हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हो तो आप पिछले भी वीडियो देख लीजिए। और आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं इसकी तीसरी श्रृंखला में आपके अपने चैनल टारगेट विद आलोक पर। आइए प्रश्नोत्तर की श्रृंखलाओं को बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। आप लोग धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग। त्योहार तो मैंने कल भी हाल चल लिया था, आपका बीत ही गया होली, है ना। कुछ लोग कल नहीं थे वो आज जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों की होली कैसी रही, मस्त रही, रंगीन रही, कैसी रही बताए। अच्छी रही, है ना। चलिए, तो आप लोगों की होली अच्छी रही और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और श्रृंखला जो है हम लोग इसकी प्रारंभ करते हैं। आइए, तीसरी श्रृंखला यूपी स्पेशल की हम लोगों के सामने पहला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको इससे पहले भी एक बार सॉल्व करा चुका हूं। कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। कहां स्थित है? बांदा। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोणों से दोनों से ही भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और सामरिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। ये कहां पे है? बांदा में है। 1559 में इसे अकबर ने जीता था, अकबर ने इसे विजय लिया था और इसको बीरबल को उपहार के रूप में दिया था। किसको दिया था? बीरबल को उपहार के रूप में दे दिया था। अकबर ने इसको जीता था और बीरबल को इसको उपहार के रूप में दे दिया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा, बांदा। आइए, यहां पे लिखा भी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला प्राचीन काल में किला जेजाक मुक्ति साम्राज्य के अधीन था, है ना। किसके? जेजाक मुक्ति साम्राज्य के अधीन था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत जो है प्लांटेशन के या ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी और एक जो है नया एक प्रयास था कि हम कैसे जो है हरित वातावरण को और अच्छा कर सके, बढ़ा सके, ताकि लोग स्वस्थ रहे। ठीक है, लोग स्वस्थ रहे और ज्यादा पेड़ लगाने से मिट्टी का कटान भी रुकता है, मिट्टी का कटान भी रुके और हमारा मानसून वर्षा चक्र भी बना रहे। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा आपकी की गई थी। तो ऑपरेशन ग्रीन्स की जो आपकी घोषणा की गई थी वो 1 जुलाई 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 2001 को की गई थी। आइए, तो आप याद रखिएगा 1 जुलाई 2001 ऑपरेशन ग्रीन्स। अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण वृद्धि के लिए लिखा है साफ साफ, वृक्षारोपण वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स जो है, ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ना, हाँ, ऑपरेशन ग्रीन्स जो है, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, पहले इस पूरी लाइन को पढ़ लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। 2007 से 2008 राज्य में हरतिमा विस्तार चेतना केंद्रों वन पार्कों के अपग्रेडेशन हेतु पुनः ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो है प्रावधानों में ऑपरेशन ग्रीन को फिर से शामिल किया गया और ये प्रश्न 2 बार लगभग आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों को ऑपरेशन ग्रीन कवर करता है। आइए, तीसरा प्रश्न है, कोयला उत्तर प्रदेश में भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। कोयला का उत्तर प्रदेश में भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कोयला का उत्तर प्रदेश में भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान है और सबसे ज्यादा कोयला सोनभद्र में प्राप्त होता है। जो लोग सोनभद्र के हैं वो जानते हैं सोनभद्र में। अगला जो है व्याख्या में आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, लिखा भी है उत्तर प्रदेश में कोयले की भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है और यहाँ कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। सोनभद्र में जो गोंडवाना पत्थर पाए जाते हैं उनमें कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? सोनभद्र के गोंडवाना क्षेत्र के पत्थरों में पाया जाता है। आइए, अगला प्रश्न है आपका, सूती व सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा की मिले, हाँ, मिलों की दृष्टि से, ये दृष्टि है, मिलों की दृष्टि से, कभी कभी टाइपिंग का फॉन्ट इधर उधर हो जाता है तो ये दृष्टि लिखा है, दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान बताइए? तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश भारत में रखता है। सूती एवं सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश भारत में रखता है। इसको ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान रखता है। आइए व्याख्या देख लीजिए इसकी। साफ साफ लिखा है, सूती एवं सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत में तीसरा स्थान है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्लियर? दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर रोजगार मिलता है। पहला तो क्या है? कृषि। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, मतलब तीन दिशाओं से घिरा हुआ है? आगरा, मिर्जापुर, हमीरपुर, ललितपुर। तो ललितपुर इसका सही उत्तर होगा, है ना। एक तरफ से निवाड़ी तरफ से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से टीकमगढ़ जिले से घिरा हुआ है, और तीसरी तरफ से मध्य प्रदेश जिले से घिरा हुआ है। जब हम मैप में देखते हैं तो ललितपुर और सोनभद्र ऐसे दोनों लटके हुए जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ललितपुर हो जाएगा। हाँ, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। आइए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है बताइए? कानपुर में स्थित है। एक, हाँ, उत्तर प्रदेश का जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और एकमात्र उत्तर प्रदेश का ये मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। आइए अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 में राज्य स्तर पर औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 में राज्य स्तर पर औसत जो है वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी? बताइए कितनी थी? आप बताएं, 20.23% थी। कितनी थी? 20.23% थी, है ना। राज्य की पूछ रहा हूं, राज्य स्तर पर अगर हम लोग 2001 से 2011 की जनगणना को कंपेयर करें तो कितनी वृद्धि जनगणना में हुई थी? 20.23% की वृद्धि जनगणना में हुई थी। क्लियर? यूपी की जनगणना की बात अगर हम लोग करते हैं तो। आइए आठवां प्रश्न है आपका यहाँ पे, हाँ देखिए कंपेयर भी किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, राज्य स्तर पर औसत जनसंख्या वृद्धि 20.23% तथा राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग देखें तो 17.7% थी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले और ये भी स्पेशल में पढ़ा रहा हूं, तो 20.23% आपकी यहां पर ये है। आइए अगला प्रश्न है, 2001 की अपेक्षा 2011 में राज्य की औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बताए, 11.3%, 11.4%, 15% और 7%। बताइए, तो ये वृद्धि जो आपकी थी 11.4% की थी, है ना। 2001 से लेके अगर हम 2011 में जाएं तो हमारी जो साक्षरता दर थी वो साक्षरता दर 11.4% बढ़ गई थी। 11.4% की वृद्धि इसमें देखी गई है। आइए नौवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? निम्न में से कितना है? क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 943, 913, 914, 912। बताएं कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है बताइए? 912 है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, जो राष्ट्रीय लिंगानुपात से कुछ अंक कम है। राष्ट्रीय लिंगानुपात आपका 943 है। आइए आप लिखा भी होगा, हाँ देखिए, लेकिन 2001 से हम लोग बढ़ोतरी की, 2001 की जनगणना में अगर हम लोग देखें तो हमारा लिंगानुपात कितना था? 898 था, और ये 2000 कितना हो गया? 912 हो गया। तो ये 14 अंक बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 14 अंक बढ़ गया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात से हम अभी भी क्या है बताओ? कम है, है ना। आइए चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए अगर हम पिछले पेपर्स को उठाएं तो दो तरीके से नृत्य पूछे गए हैं। एक तो नृत्य आपसे जिलों से संबंधित करके पूछे गए हैं, एक नृत्य आपसे क्षेत्र से संबंधित करके पूछे गए हैं, और दोनों ही प्रकार के नृत्य लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसे लिखा है, हाँ चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित, ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, सोनभद्र से है, मेरठ से और आगरा है, आगरा से। तो दसवां का मतलब सही उत्तर क्या होगा? ब्रजभूमि जो क्षेत्र है आपका, ब्रजभूमि क्षेत्र से जो संबंधित नृत्य है वो कौन सा है बताओ? चरकुला। तो चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। आइए अगला चलते हैं, ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है अगला।
ब्रज क्षेत्र में होली पर 108 दीपों का चरखुला पिंजरा सर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। हाँ, तो ये देखिए इसका पूरा सेंस है। आइए, हालांकि सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में 2250 मेलों का आयोजन लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिसमें 180 और 190 के बीच में लगभग 186 मेलों का आयोजन केवल मथुरा में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला जो लगता है वो कहां पे लगता है? मथुरा। हम लोगों का धार्मिक शहर है मथुरा, आप जानते भी हैं, मथुरा वृंदावन। तो सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन कौन करता है बताइए? मथुरा करता है। आइए, अगला प्रश्न है आपका, बार बार 2250 मेलों का आयोजन होता है। देखिए, मैंने बताया है भी आपको, लगभग प्रतिवर्ष 2250 मेलों का आयोजन होता है, जो भारत राज्य की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में 186 लगते हैं, 186 आपका कहां पे लगता है बताइए? हाँ, मथुरा में लगता है। अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। आइए, आसान सा प्रश्न है, देखिए लिखा भी उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए? दुधवा, और जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। आइए, अगला है आपका, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहां हुआ था? फिर से सुन लीजिए, प्रश्न है आपका 13वां, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जो है जनक है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहां? वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, जिसको आप NCZCC भी कहते हैं? NCZCC ये कहां पे? प्रयागराज में स्थित है। कहां पे स्थित है? इलाहाबाद में तो स्थित है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है NCZCC। आइए, इसका उद्देश्य अपने क्षेत्र की कला तथा उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। इसका उद्देश्य जो है अपने क्षेत्र की कला तथा संस्कृति की समृद्ध विविधता तथा विशिष्टता का विकास और प्रचार प्रसार करना है। आइए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? देखिए अच्छे से पढ़िए इस प्रश्न को, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर और बेतवा नहर, बताएं कौन सी नहर जो है बताइए सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की बताइए? हाँ, पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। पूर्वी यमुना नहर लगभग लगभग 6 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, 6 जिले लगभग इससे लाभान्वित होते हैं। सहारनपुर में ही है, कहां पे? सहारनपुर में है, और 6 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। देखिए मैं आपको भी बताता भी हूं, पूर्वी यमुना नगर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, यह प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकली है। शहर की कुल लंबाई 1550.27 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, मेरठ 3, शामली 4, हापुड़ 5 और गाजियाबाद 6 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, और 6 जिलों की सिंचाई की जिम्मा इसी नहर पर है। क्लियर है? इसी नहर पर है, पूर्वी यमुना नहर पर है। आइए, अगला प्रश्न है आपका, थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस जिले में महाविद्यालय स्थापित है? कल भी मैंने आपको पढ़ाया था लखीमपुर खीरी, ये बहराइच लिखा है, बहराइच है ना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताओ? लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय बनाया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? थारू जनजाति, क्योंकि थारू जनजाति तराई क्षेत्रों में रहती है ना, तराई क्षेत्रों में, मैंने आपको कल भी बताया था, महाराजगंज हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, गोरखपुर, ये पूरा वही क्षेत्र है आपका। तो वहां पर एक जो है लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए एक जो है शिक्षा के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया है। आइए, अगला 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? वैगा, खरवार, महागीर। महागीर जनजाति जो है प्रसिद्ध जनजाति है बिजनौर जिले की, कौन सी बताओ? महागीर। महागीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, जरूर याद रखिएगा, महागीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। आइए, 18वां है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? कन्हैया, ये बहुत प्रसिद्ध हिंदी का
हिंदी की शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध केंद्रीय हिंदी संस्थान है, कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, आगरा में है, बरेली में है, मेरठ में है कि गोरखपुर में है, कहाँ स्थित है बताइए। 18वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, आगरा में है। कहाँ पे है बताइए, ये आगरा में स्थित है। कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है बताओ, आगरा में स्थित है। आइए अगला प्रश्न है आपका, आगरा में स्थित है। आप लोग भी उत्तर करते चले, सही उत्तर करें आप लोग। देखिए अगला जो है कथन सुमेलित करने के लिए है ना। हाँ ये देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, ये आल्हा है, आल्हा गाया जाता है ना, आल्हा आल्हा। हाँ आल्हा बुंदेलखंड बिरहा पूर्वांचल चैती रोहेलखंड कजरी अवध। देखिए आल्हा बुंदेलखंड का है सही है, बिरहा पूर्वांचल का है सही है, चैती रोहेलखंड का नहीं है गलत है, कजरी अवध का है बिल्कुल सही है। ये सुमेलित नहीं है तीसरा, है ना। चैती जो है वो कहां का है बताइए, चैती जो है पूर्वी, हाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का है, यहां पर रोहेलखंड का ये नहीं है, ये भी पूर्वांचल का है, ये भी कहां का है बताओ, पूर्वांचल का है। तो यहां पर तीसरा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए चैती लोकगीत पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत है, अन्य सभी सही सही है। तो चैती कहां का है, पूर्वांचल का है, रोहेलखंड का नहीं है। आइए अगला लेते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में, बताएं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 20वें का आपका उत्तर क्या हुआ, कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा लखनऊ में स्थित है। आइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, 21वें का उत्तर क्या है बताइए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है बताइए, इनमें से रामपुर है, कौन सा है रामपुर, रामपुर की महिला साक्षरता सबसे कम है, ध्यान रखिएगा महिला साक्षरता वाला जिला सबसे कम कौन सा है, रामपुर है। आइए हाँ यहां पर देखिए पूरा डिटेल भी आपको दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार तब रामपुर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता कितनी है बताओ, 44.4% है, क्लियर है। हाँ आइए देखिए इसमें ऐसे समझ लीजिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, श्रावस्ती है, मैं इससे पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं, चूंकि श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायू, फिर रामपुर है, लेकिन श्रावस्ती विकल्प में नहीं है, बलरामपुर विकल्प में नहीं है, बहराइच नहीं है, बदायू नहीं है, तो जो विकल्प में है उनमें से जो है रामपुर में सबसे कम है, कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे सबसे कम कहां पे है बताओ, श्रावस्ती में है, वैसे सबसे कम कहां पे है, सबसे श्रावस्ती में, फिर उसके बाद बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर कहां बताओ, बदायूं। लेकिन जो जिले आपको दिए गए हैं इन जिलों को अगर हम लोग देखें तो इनमें वो नहीं है, तो इनमें जो जिला है उनमें सबसे कम किसमें बताओ, रामपुर में है। आप ऐसे याद रखिएगा 45% से कम रामपुर में भी है और 45% से कम जो है इन सब जिलों में है, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, बहराइच में, बदायूं में और रामपुर में, क्लियर है, 45 से कम है। आइए अगला है धुरिया लोक नृत्य, है ना, धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य, कुमार प्रजाति का जो है लोक नृत्य है धुरिया, कहां का बताओ, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की कुम्हार प्रजाति का प्रमुख लोक नृत्य बताओ क्या है बताओ, धुरिया लोक नृत्य है। आइए अगला है 23वां, कुम्हार प्रजाति, प्रजापति या कुम्हार लोग जो है करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कम नगरीकरण वाले जिले कौन से हैं, है ना, सर्वाधिक कम नगरीकरण वाले जिले कौन से हैं, आपको मैं इससे पहले भी ये प्रश्न एक बार पढ़ा चुका हूं, तो इसका सही उत्तर होगा बी, सबसे कम नगरीकरण श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सुल्तानपुर, याद रखिएगा कौन कौन सा बताओ, श्रावस्ती, फिर इसके बाद बताओ क्या है कुशीनगर, फिर इसके बाद क्या है बताओ बलरामपुर, और फिर इसके बाद क्या है बताओ, सॉरी श्रावस्ती, कुशीनगर, फिर आपका है महराजगंज, क्षमा करिए महराजगंज, और महराजगंज के बाद फिर आपका सबसे लास्ट में क्या है सुल्तानपुर, बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, तराई क्षेत्र, है ना, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं दिया गया, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, 24वें का तराई क्षेत्र कहां, पूरम में होगा आपका, तो जो है हम इसका उत्तर क्या करेंगे बताइए, हाँ पूर्वी क्षेत्र,
पूर्वी क्षेत्र उत्तर करेंगे, चूंकि तराई नहीं है, पूर्वी क्षेत्र जो है महीन अवसादों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, किस पर्यावरणीय घटना से हुआ है, महीन अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। तो पूर्वी क्षेत्र आपका जो क्या सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, लिखा भी होगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बताइए, पूर्वी क्षेत्र है या भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। तो भौगोलिक रूप से हम लोग इसको क्या कहते हैं, बताइए, तराई क्षेत्र कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, है ना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी प्रतिशत कर्मचारी कहां नियोजित है, किस क्षेत्र में नियोजित है, 25वां आपका है। तो देखिए कृषि क्षेत्र में नियोजित है, कहां नियोजित है बताइए, कृषि क्षेत्र में नियोजित है, क्योंकि अब कृषि प्रधान है और कृषि क्षेत्र में ही नियोजित है। आइए अगला है आपका, लिखा है उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ देश का सर्वाधिक प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन होता है, यहाँ कुल कर्मकारों का लगभग 66% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित है, जो भी काम करता है वो कर्मचारी है और 66% व्यक्ति कृषि क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। चलिए कल से थोड़ा सा हम लोग इस पोर्टफोलियो को बदलेंगे और अब यूपी स्पेशल के अलग कुछ और प्रश्न होंगे तो बाद में लाएंगे, और कल से कुछ करंट और जीएस पर हम लोग काम करेंगे। अगर आपको हमारे लोअर पीसीएस बैच में एंट्री लेनी है तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर जो है 27 तारीख तक एडमिशन्स खुले हुए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें या इन दिए हुए 7 नंबर पर कॉल करके भी आप एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। क्लियर, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर जो है कल आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ाई लिखाई में जो लोग बैच वाले हैं उन लोगों की कल परसों से नियमित क्लासेज आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए होली बीत गई तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं, देखने के लिए शुभकामनाएं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग हमें कहां से देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, कमेंट करके किस शहर से आप लोग देख रहे हैं और क्लासेज आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, हरदोई से देख रहे हैं, झांसी, बिजनौर, वेरी गुड, लखनऊ से, कानपुर से, अलीगढ़ से, महाराष्ट्र से भी लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, नोएडा से लोग देख रहे हैं। चलिए, और जो है जब आप इसको पढ़ें तो नीचे कमेंट करके उत्तर जरूर लिखें, फीडबैक्स जरूर लिखें और शहरों के नाम जरूर लिखें और अपने सुझाव जरूर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे उत्साह बढ़ाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, शुभरात्रि, कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।